क्या आप जानते हैं झारखंड के तीरंदाज दीपिका कुमारी को, जिसने गरीबी कम करने के लिए उठाया था तीर धनुष और अब बन चुकी है दुनिया की नंबर वन आर्चर। तो चलिए जानते हैं दीपिका कुमारी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दीपिका का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। उनके पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते थे और दीपिका कुमारी के जन्म के वक्त उनके पास इतने पैसे तक नहीं थे कि वे उनकी मां को अस्पताल में भर्ती कर सके, इसलिए दीपिका का जन्म ऑटो में ही हुआ। दीपिका कुमारी ने 13 साल की छोटी उम्र से ही तीर धनुष चलाना शुरू कर दिया। दीपिका ने दुनिया की नंबर वन आर्चर का खिताब मात्र 18 साल की उम्र में जीता था, जिस वक्त उन्हें यह भी नहीं पता था कि नंबर वन आर्चर होता क्या है आखिरकार। रांची से 200 किलोमीटर दूर अर्जुन अकेडमी में साल 2007 में दीपिका कुमारी ने सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वहां उन्हें तीरंदाजी सीखने के साथ साथ मुफ्त में किट और खाना भी मिलता था। अर्जुन एकेडमी ने दीपिका को लेने से मना कर दिया था क्योंकि दीपिका बेहद दुबली पतली थी, जिसके बाद दीपिका ने एकेडमी से 3 महीने का समय मांगा। दीपिका कुमारी जिस एकेडमी में रहती थी वहां बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण सभी छात्रों को नहाने के लिए नदी जाना पड़ता था। 2008 में टाटा आर्चरी एकेडमी, जो कि जमशेदपुर में स्थित है, वहां के कोच धर्मेंद्र सर ने दीपिका कुमारी को सेलेक्ट किया, जिसके बाद दीपिका कुमारी अब जमशेदपुर में ही रहकर अपनी तैयारी करती है। अब तक दीपिका ने विश्व कप प्रतियोगिता में 9 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वह भारत के लिए एक ओलंपिक पदक लेकर आए। इसके लिए दीपिका को ऑल द बेस्ट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद।